नमस्ते दोस्तों, ये मेरे पास चिकन है। ये मैंने आधा किलो चिकन लिया है और इसको बढ़िया से वॉश कर लिया है। आज मैं इस चिकन के साथ बनाने वाली हूँ कबाब। बनाने के लिए सबसे पहले हम एक प्रेशर कुकर ले रहे हैं, उसमें डालेंगे अपने खड़े मसाले, तेज पत्ता, चक्रफूल, ये मस्त बड़ी इलायची, हरी इलायची, लौंग, काली मिर्च, थोड़ी सी अदरक, ये भीगी हुई मेरे पास चने की दाल है। साथ में डाल देते हैं इसमें अपना चिकन। और इन सबको हल्का सा बॉईल करेंगे। इसको थोड़ा सा पानी डाल देते हैं, नमक नहीं डालेंगे इसमें, नमक हम बाद में डालेंगे। हमारा चिकन और दाल अच्छे से उबल गई, पक गई, गल गई है। ये देखिए, अब मैं इसको ठंडा करने के बाद में मिक्सर में हल्का हल्का पीस लूँगी। हमारे चिकन में ये बोन से इसको मलाप कर देंगे, सबको मलाप कर लेते हैं, उसके बाद इसको पीस लेंगे। हमने अपने चिकन दाल को पीस लिया है, अब हम इसमें कुछ और मसाले ऐड करते हैं। चिली पाउडर, नमक, कोरिएंडर पाउडर, एक चम्मच डाल रही मैं चिकन मसाला, साथ में डालेंगे हरी मिर्च कुटी हुई, हरा लहसुन, हरा प्याज, धनिया पत्ती, और इन सबको मिक्स कर लेते हैं। हमारा मसाला अच्छे से मिक्स हो गया है, अब हम इसको कबाब बनाना चालू करते हैं। इसमें से हम लहसुन लेंगे और इसको शेप दे देंगे इस टाइप से। इसी तरह से हम अपने सारे कबाब तैयार कर लेते हैं। हमारे सभी कबाब हमने रेडी हो गए, अब हम इनको बहुत ही कम तेल में सेकेंगे। हमने गैस ऑन कर दिए, हल्का सा ऑयल डाल रहे हैं। हम आपसे सभी कबाब को कुछ सेक लेते हैं। अब आप अपने कबाब को कलर देते हैं, दूसरे साइड से भी बढ़िया सिक जाएगा। देखिए इसका कलर काफ़ी बढ़िया आ गया है, हल्का हल्का ब्राउन होने लगा है। और ऑयल हम इसे बिल्कुल कम इस्तेमाल कर रहे हैं। सभी तरह पलट दिया, हमारे कबाब में बहुत ही बढ़िया कलर आया है और एकदम परफेक्ट फ्राई ये सिक गए हैं। और इनको निकाल देते हैं। मेरे पास एक पेपर टॉवल के ऊपर ये देखिए, कितने बढ़िया बढ़िया इनकी कबाब, इनकी खुशबू बहुत ही लाजवाब है।